नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीएमई विद्या चैनल पर। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह, क्लास 6 यानी चैनल नंबर 6। ये है चैनल का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, कहां आप हमें देख सकते हैं। सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस को हम लेकर आए हैं और इसमें हम आज जानेंगे कि सरकार क्या है, गवर्नमेंट। सब हम जानते हैं कि किस तरीके से परिचालित होती है। जिनको नहीं मालूम है, जो जानना चाहते हैं या और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं मत जाइएगा। कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-111-265। दूसरा एक और नंबर है जहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, 1800-112-199। इसके अलावा मेल अगर करना चाहें तो ऑफकोर्स आप मेल कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पर, cieet.kishoremanch@gmail.com। और अगर लाइव इंटरेक्शन से आप जुड़ना चाह रहे हैं तो फिर ऑफिशियल एनसीईआरटी के यूट्यूब चैनल पर भी आप रूबरू हो सकते हैं। चलिए, ये तो थी कुछ एक सूचनाएं आप तक पहुंचाने के लिए। अब समय हो चला है अपने एक्सपर्ट को इनवाइट करने का। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर शरद कुमार पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर डीसीएस एनसीईआरटी दिल्ली। स्वागत है आपका। नमस्कार। इससे पहले कि हम ये जाने कि सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट भी वहाँ पर हैं। कोविड का समय है, पैंडमिक में काफ़ी समय से अपने घर में कैद हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले उनकी हौसला अफजाई के लिए आप कुछ कहें, फिर हम आगे की तरफ जाएं। बहुत वाजिब सवाल किया है आपने। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस समय एक केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा से जूझ रहे हैं। और लेकिन साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि हर चुनौती हमें एक अवसर भी प्रदान करती है जी। तो ये इसको हम जो भी आज का हमारा चर्चा का विषय है, सरकार क्या है, इसको हम वर्तमान अपनी परिस्थितियों में जिस समय हम रह रहे हैं, हमें सब पता है कि भारत में हर कोने में कोविड का प्रसार है, उसके बचने के लिए, तो ये हमको अवसर भी देती है कि जो हमारा आज का विषय है, सरकार क्या होती है, कैसे कार्य करती है, कितने लेवल्स होते हैं, कितने अंग होते हैं, उसके लिए हमको ये अवसर प्रदान करती है। तो हमारा निवेदन है उन बच्चों से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स या अध्यापकों से कि किस तरीके से प्रशासन, शासन और सरकार विभिन्न स्तरों पर इस कोविड की समस्या को सामना करने के लिए प्रयास कर रही है, उसको एक थीम के रूप में उदाहरण के द्वारा बच्चों को बताएं कि सरकारें कैसे, क्या होती हैं और कैसे कार्य करती हैं, और क्या ये जो आज हो रहा है ऐसा 100 वर्ष पहले भी हुआ था जब भारत में लोकतंत्र नहीं था, अपना शासन नहीं था, हम एक विदेशी शासन के अधीन थे, और उसी समय जब ऐसी विपदा आई थी तो उस समय क्या हुआ था। तो इससे हमको समझने में मदद मिलेगी कि सरकार क्या होता है। बिल्कुल, कोई भी स्ट्रक्चर है अगर उसको हमें फॉलो करना है तो डेफिनेटली उसके कुछ मायने होते हैं, एक तरीका होता है, एक रूरल एक आस्था, एक अथॉरिटी होती है जिसको हम कहें कि फिर उसके द्वारा सारी चीज़ें परिचालित होती हैं क्रमबद्ध तरीके से। तो फिर मौजू भी यही है, सरकार क्या है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि सरकार की आवश्यकता आखिर पड़ती क्यों है और किस तरीके से उसका परिचालन होता है, फिर उसके बाद हम मजीद गुफ्तगू करें। तो सर, पहले तो यही जाने कि सरकार की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है। बिल्कुल, सरकार क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमको पता है कि हम मिल के एक समूह में रहते हैं, तो उसके लिए एक किसी व्यवस्था, किसी सिस्टम की ज़रूरत होती है, और सरकार उस व्यवस्था को ही कहते हैं जो साथ रहने वाले लोगों के बीच में कार्य करती है। और आपको पता ही होगा कि हम भारत में और वर्तमान में ज़्यादातर जिन देशों में रह रहे हैं वहाँ लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार है। तो सरकार का काम क्या है, हमने बताया, व्यवस्था करना। व्यवस्था का मतलब क्या है, हमें निर्णय करना, और उस निर्णय को कौन करेगा, क्या कोई व्यक्ति वंशानुगत रूप से अपने पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, उस रूप में व्यवस्था की देखभाल करेगा, नेतृत्व करेगा, या फिर लोग मिलके उस अपने नेतृत्व को चुनेंगे, सरकार को चुनेंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की शासन प्रणाली या सरकार के अंतर्गत रह रहे हैं। चलिए, बहुत बेहतर। ये तो
काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आई थिंक इस बात पर भी गौर फरमाया जाना चाहिए कि एक किसी भी चीज़ को अगर परिचालन करना है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, फिर नीचे और भी कितनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। नीचे से मतलब है कि मैं उसके प्रकार की बात कर रहा हूँ कि उसके और भी अंग हैं, खाली आप सरकार कह के उसको एलिब्रेट नहीं कर सकते। अब प्रश्न यहीं पर ये उठता है कि सरकार के प्रकार क्या हैं, और अगर उन प्रकारों में अगर हम लोकतांत्रिक और राजतंत्र उसकी बात करते हैं तो उनकी विशेषताएं क्या हैं, इस बात को भी आई थिंक समझना बहुत बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र जी, सरकार के क्या अंग होते हैं, ऑर्गन्स क्या हैं सरकार के, सरकार कितने स्तर की होती है, उसके पहले हम फिर से बताएंगे सरकार का क्या कार्य होता है। नियम बनाना, निर्णय करना, उसके अलावा उन नियम का लागू करना। केवल नियम बनाना, सरकार का काम केवल नियम बनाना नहीं है, रूल्स बनाना नहीं है, कानून बनाना नहीं है, बल्कि उसको लागू भी करना है। और लागू करने के साथ साथ तीसरी बात आती है कि किसी को अगर लगता है कि उन नियमों को जो नियम बनाया है सरकार ने संविधान के माध्यम से या लोगों ने बनाया है, उसका सही तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं है, तो उसके लिए हमारी न्याय प्रणाली है, हमारे कोर्ट्स हैं, विभिन्न न्यायालय हैं, तो ये सब सरकार के ही अंग होते हैं। तो हम देखते हैं कि सरकार के तीन प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है कि नियम बनाना, जिसको हम एक टेक्निकल टर्म में, या चूंकि हम राजनीति शास्त्र की बात कर रहे हैं तो व्यवस्थापिका कहते हैं। जो जैसे भारत के संदर्भ में हम बात करें तो हमारी जो भारत की संसद है वो व्यवस्थापिका है जी। तो सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपको याद होगा हमने बताया सरकार के तीन प्रमुख कार्य होते हैं, नियम बनाना, व्यवस्थापिका या संसद नियम बनाती है, कार्यपालिका नियम लागू करती है, और न्यायपालिका यह देख सुनिश्चित करती है कि उन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था जिसको लगता है कि उसके अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, तो हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मतलब व्यवस्थापिका मतलब हमारी संसद, कार्यपालिका मतलब हमारे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, ये एग्जीक्यूटिव या इसको कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा हमने बताया हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी न्यायिक प्रणाली, जैसे राष्ट्रीय स्तर पे हम बात कर रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सरकार के तीन अंग हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये तो समानांतर रूप से राष्ट्रीय स्तर पे अंग हैं, लेकिन अब हम अगर ऊर्ध्वाधर रूप से देखें तो सरकार के तीन स्तर होते हैं। सबसे ऊपर, या हम नीचे से शुरू करें, हमारे करीब बच्चों के करीब अपने आसपास देखें, सबसे पहले क्या होता है, जो बच्चा अगर ग्रामीण परिवेश में रह रहा है, गांव में रह रहा है, तो वहां स्थानीय शासन क्या होता है, पंचायत होता है। जो बच्चा शहर में रह रहा है वहां पे क्या होता है, स्थानीय शासन होता है, जिला पंचायत होती है। तो ये इसको स्थानीय निकाय कहते हैं। ये जो तीन स्तर की, थ्री लेवल की जो सरकार होती है उसके निम्नतम बिंदु पे, जहाँ पे लोग ज़्यादा सक्रिय तरीके से जनतांत्रिक रूप से इन्वॉल्व होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ये पहला स्तर है स्थानीय निकाय। ग्रामीण परिवेश की बात करें तो पंचायत, शहरी परिवेश की बात करें तो नगर निगम बात करें, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं अगर तो नगर निगम की बात करें, या किसी गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम सभा की बात करें, तो ये पहला स्तर होता है। इसके ऊपर द्वितीय स्तर होता है राज्य या प्रांतीय स्तर पर। और प्रांतीय स्तर पे क्या होता है, आपको पता ही है, प्रांत में भी वही तीन लेवल होते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको। फिर से हम लौटते हैं, पहले स्थानीय निकाय में भी हमने बताया आप, चूंकि सरकार का पहला स्तर स्थानीय निकाय है तो उसके तीन कार्य हैं क्या, नियमों को बनाना, उनको लागू करना, और उसमें न्याय का तीसरा, तीन चीजें। तो हम ग्रामीण परिवेश में बात करें, या जो ग्रामीण परिवेश के बच्चों का उदाहरण दें तो वो देख सकते हैं जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा वो व्यवस्थापिका होती है, और
जो ग्राम पंचायत होती है, जिसको ग्राम सभा में, ग्राम सभा को पता है आपको उस गांव के हर गांव में, और कई कई बार अगर छोटे गांव हैं तो कई गांव को मिला के एक ग्राम सभा होती है, और उस गांव का उस क्षेत्र के सभी वयस्क व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में है उस गांव की, वो सभी उसके सदस्य होते हैं, कोई भी उसमें छूटता नहीं है। जो 18 वर्ष की, जाहिर सी बात है आपको पता ही है कि हमारा मतदाता सूची में नाम तभी आता है जब हम 18 वर्ष के हो जाते हैं, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, वो उस ग्राम सभा का सदस्य होता है। और एक ग्राम सभा के क्षेत्र को कई ग्राम वार्डों में बांटा जाता है, और फिर वो ग्राम सभा के लोग अपने में से हर वार्ड में एक प्रतिनिधि को चुनते हैं निर्वाचन के द्वारा, वोट के द्वारा, अपने ग्राम स्तर पर वोट के द्वारा। तो उसके जो सदस्य होते हैं उनको पंच कहते हैं। तो हर वार्ड में एक एक पंच हो गया, और फिर सब लोग मिलके, सारे लोग मिलके एक मुखिया को चुनते हैं जिसको सरपंच कहते हैं। तो ये आपने देखा कि जो ग्राम सभा है वो व्यवस्थापिका है, और जो नियम बनाती है, और जो कार्यपालिका, यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी ग्राम पंचायत है, और कोई भी विवाद होता है तो आपको पता है कि ग्रामों में आप, कोई जरूरी नहीं कि आप किसी विवाद में न्यायालय जाएं, आप ग्राम पंचायत के समस्त भी उस विषय को उठा सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि आप, कोई विवाद है तो आप पुलिस थाने में जाएं या कचहरी में जाएं, आप ग्राम स्तर पे अगर दोनों लोग सहमत हैं तो ये हमारा पहला स्तर हो गया जी। दूसरा स्तर हो गया, हमें पता है हमारा भारत देश जो एक लोकतंत्र है वो कई राज्यों में बटा हुआ है, तो द्वितीय स्तर मध्य का ये राज्य स्तर या प्रांतों का स्तर हुआ, सरकार का द्वितीय स्तर मध्य का प्रांतों का स्तर हुआ, प्रांतों में विभिन्न जिले होते हैं, तो ये सेकेंड लेवल। अब यहां पे भी हम ध्यान रखें, जो हर राज्य में जो विधानमंडल होता है, जो असेंबली होती है, वो व्यवस्थापिका है, वो नियम बनाती है, और जो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल होते हैं वो कार्यपालिका होती है, और तीसरा क्या, न्याय का कार्य, हर प्रदेश में एक उनका उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट होता है, वो अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी के लोगों पे निर्णय करने की, क्षेत्राधिकार में आने वाले लोगों में निर्णय करने की उसकी शक्ति होती है। तो ये अब हम आते हैं सबसे ऊपर के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, जिसकी बात हमने पहले की थी कि राष्ट्रीय स्तर पे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका मतलब हमारी संसद, जिसमें राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है, राष्ट्रपति भी है, इन तीनों से मिलके व्यवस्था। दूसरा कार्यपालिका, हमने बताया जो नियम बनाती है हमारे देश में कैसा लॉ हो, किस तरीके के, वो कार्य, वो उसको, उसकी शुरुआत करती है, उसको मंजूरी तो व्यवस्थापिका देती है। आपको पता ही है कि राज्य स्तर का कानून है तो असेंबली, और राष्ट्रीय स्तर का कानून है तो संसद उसमें नियम बनाती है, तो लागू करती है कार्यपालिका, और उस पर पुनर्विचार या विवाद आने पे निर्णय की शक्ति न्यायपालिका पे। ये तो ये तीन लेवल्स हैं। यहाँ पर चलिए, एक यहाँ पर तो हम लेवल समझ गए, स्तर को हमने समझा, हमने ये भी समझा कि सरकार क्या है, उसके प्रकार को भी समझा और स्तर को भी समझ लिया। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि कैसे, ये मैं प्रश्न इसलिए रख रहा हूँ कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ ये रह जाती होगी, तो वो आज ये जो डायलेमा है, दुविधा है, वो ठीक हो जाएगी। प्रश्न ये है कि जो हम सरकारी स्वायत्त निकाय की बात करते हैं, स्थानीय स्वायत्त निकाय, किस तरीके से ये सरकार को मदद करते हैं या इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है सुचारू रूप से सरकार को चलाने में, ढांचा कुछ भी हो, ऊपर से चलें या नीचे से चलें, इनकी कितनी अहम भूमिका होती है? हाँ बिल्कुल, और आपको याद होगा हमने इस सत्र के शुरुआत में ही कहा था कि हमारे समक्ष इस कोविड नामक विपदा के रूप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन बच्चे अपने आसपास को देखें, समाचार पत्रों में, अपने सराउंडिंग्स में जो हो रहा है, अपने शहर गांव देहात में जो हो रहा है, सभी लोग देख सकते हैं, और उससे फिर उनको एक अंदाज लगेगा कि सरकार कैसे कार्य करती है, क्योंकि सरकार का मुख्य कार्य है। अब हम देखें कि आज जो आपको
आपको पता है कि आज सरकार ने, अब सरकार की बात, नियम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति मास्क पहन के घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये निर्णय किसने लिया है? ये सरकार ने लिया है। ये सरकार ने निर्णय क्यों लिया है? क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का शासन। लेकिन भारत जैसे बड़े देशों में लोकतंत्र तो है, लेकिन ये आप ये ध्यान रखें कि यह तो संभव नहीं कि कोई अगर कानून बन रहा है तो भारत के सभी लोग किसी जगह पे इकट्ठे होके एक कानून को बनाएं या नियम को बनाएं। तो होता यह है कि हम अपने बीच से कुछ लोगों में से एक व्यक्ति को चुनते हैं और उसको अपना प्रतिनिधि मानते हैं कि वो हमारी आकांक्षाओं को ध्यान में रख के विधायक के रूप में या संसद सदस्य के रूप में हमारा प्रतिनिधि होगा। तो इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। मतलब ये लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति संसद में जाके कानून बनाएगा, बल्कि हम जो संसद सदस्य के रूप में अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, हम जब कह रहे हैं तो जिसको भी वोट का अधिकार प्राप्त है, तो उसको ये शक्ति होती है, उसको हम भारत के लोग उसको ये शक्ति देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे हमारे आकांक्षाओं को ध्यान में रख के वो कानून बनाएगा। तो वो हमारा प्रतिनिधि होता है। तो ये प्रतिनिधात्मक शासन ये हुआ। और हाँ धर्मेंद्र जी, और बताया था हमने कि अब आप देखें कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था में हम चाहे समाचार पत्र देखें, चाहे वो अस्पताल किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, या आप देखिए कि अगर आप किसी गांव में हैं या शहर में हैं, गांव में अगर आप आते हैं, कोई आपके गांव में, कोई परिवार में या आपके गांव में कोई व्यक्ति बाहर से आता है, तो इस समय उस व्यक्ति को अपने ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में अपने आने की सूचना देनी पड़ती है जी। अब आप कहेंगे कि हमारा गांव है, हम अपने गांव में गए हैं और ये ऐसा क्यों है? ये बताया हमने कि व्यवस्था करना, और ये तभी संभव है जब हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हों। आप याद करें कि आज जब ये विपदा शुरुआत हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम उद्बोधन किया था। आखिर उनको क्या जरूरत थी सारे देश को ये करने की? क्या ये ऐसा होता था 100 साल पहले जब हम गुलाम होते थे? उस समय क्या जो भारत में गवर्नर जनरल थे या ब्रिटिश संसद अपने भारत मंत्री के माध्यम से शासन करती थी, क्या उनको इतनी ही चिंता थी? नहीं थी, क्योंकि तब हमारे देश में लोकतंत्र नहीं था, तब हमारी सरकार लोकतंत्रात्मक सरकार नहीं थी। अब हम यहां आपका पहले का प्रश्न लेते हैं कि सरकारें कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारे आज के समय की सरकारें जो उनको लोकतंत्र कहते हैं, तो वो लोकतंत्रात्मक सरकार होती है। लोक मतलब होता है व्यक्ति, लोगों की अपनी सरकार। लेकिन एक हम पहले की बातों को सोचें या अपनी कहानियों को सुने, तो आपको याद होगा आपने राजा रानियों की कहानी सुनी होगी। आप सोचें क्या राजा और रानी को लोग चुनते थे, या वो वंशानुगत रूप से पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, या फिर कभी युद्ध के माध्यम से या सत्ता छीन करके इस तरीके से? तो दूसरी पद्धति हुई सरकार का, दूसरा प्रकार हुआ राजतंत्रात्मक, जिसमें वंशानुगत रूप से शासन होता है, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते नहीं चुनते हैं, और साथ ही उस राजतंत्रात्मक व्यक्ति में जो शासक होता है उसको अपने जो भी नियम बनाता है वो अपने माध्यम से या अपने छोटे से समूह के माध्यम से, सलाहकारों के माध्यम से, उसके लिए वो बाकी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए, लोगों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। राजतंत्रात्मक शासन में जहां राजाओं का शासन, रानियों का शासन होता है या राजतंत्रात्मक स्वरूप का शासन होता है, लेकिन लोकतंत्र में
लोकतंत्र में भले ही जो जो भी व्यक्ति है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या जो भी हम अपना नेतृत्व ग्राम स्तर से लेके उच्च स्तर तक चुनते हैं, उसकी जवाबदेही होती है, उसका उत्तरदायित्व होता है कि हमने जो नियम बनाया है तो उसमें वो उसको जस्टिफाई करे कि हमने क्यों बनाया है, और लोगों को अगर उसमें दिक्कत हो रही है कि उनकी बात सुने, इस तरीके का जो हमारे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में नहीं होता है। तो अब सबसे पहले हमको देखना है, आप पिछले कुछ दिनों का समाचार पत्र निकालिए और उसकी हेडिंग्स देखिए, तो आपको लगेगा कि सरकार ने आज लॉकडाउन किया या आज सरकार ने अनलॉक किया, तब आप सोचिए ये सरकार का मतलब वहां पे क्या है, या गांव में है तो ये क्या जिला की तरफ से कोई सूचना आई है, या ये प्रांतों के स्तर पे कोई सूचना आई है, या ये जो आई सूचना ये राष्ट्रीय स्तर पे आई है। तो आप लिंक कर सकेंगे कि इस कार्य के लिए सरकार का कौन सा स्तर जिम्मेदार है। सबकी अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं, जो भी हमने समझी। आपने शुरुआत में जिक्र किया था 4 मिनट का या 3 मिनट का समय अभी भी हमारे पास बचता है, आपदा को अवसर में बदलने की आपने बात करी। चलिए, यहाँ पर इस बात की तो गारंटी है कि अब हमने कड़वी एक सच्चाई के साथ जीना सीख लिया है इस पेंडेमिक के साथ। मूल मंत्र ये है कि काफ़ी एहतियात बरतने के साथ अपन भी जिंदगी को वापस पटरी पर ला सकते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई के मद्देनज़र मूल मंत्र ये है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि आपको खासा एहतियात रखना पड़ेगा। अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि कैसे सरकार के हवाले, जो कि हम सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार की क्या कुछ यहाँ से कोशिश होनी चाहिए कि ये जो आपदा है उसको हम कितने हद तक और अवसर में बदलने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं हम शुरुआत तो कर चुके हैं, मैं समझता हूँ कि 2 मिनट के अंदर इसको थोड़ा सा और एलिबरेट कर तो मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, आप देख ही रहे होंगे कि सरकार का जहाँ पहले राजतंत्र में सरकार का सरोकार, सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती थी कि वो लोगों के स्वास्थ्य की, लोगों के रोजगार की उसकी चिंता करे, वो नियम बना देता था, उसका जो भी परिणाम हो अपनी शक्ति के द्वारा उनको लागू करता था। लेकिन वर्तमान में चूंकि हम लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके से हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वो यह सुनिश्चित कर रही है कि चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी भी जात का, अगर स्वास्थ्य से संबंधित उसको समस्या है तो किस तरीके से सरकार व्यवस्था के द्वारा उसमें हस्तक्षेप करके उसको भोजन दिलाने के लिए, उसको स्वास्थ्य दिलाने के लिए, उसको रोजगार दिलाने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रही है, और ये प्रयास किस स्तर पे हो रहा है, ये ग्राम स्तर पे हो रहा है, कौन कौन से प्रयास ग्राम स्तर पे हो रहे हैं, कौन कौन से प्रयास नगर स्तर पे हो रहे हैं, जिला प्रांत स्तर पे हो रहे हैं, और कौन कौन से प्रयास राष्ट्रीय स्तर पे होंगे। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि ये जो व्यवस्था का कार्य हमने सरकार को सौंपा है, तो ये कौन सी सरकार हमारे किस प्रकार के विषयों के लिए उत्तरदायी है। तो ये हमारा चूंकि समय समाप्त हो रहा है, ये एक छोटा सा परिचय होता है कि सरकार क्या थी, और वोट का अधिकार, जब हम भी हम सरकार की बात करते हैं, जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हम अपने मत के द्वारा अपनी सरकार चुनते हैं। तो वर्तमान समय में मत अधिकार लोकतंत्र का, या सरकार लोकतांत्रिक सरकार का एक प्रमुख अधिकार होता है। जो भी वयस्क व्यक्ति हो, वो किसी, ऐसा पहले नहीं था, इवन पश्चिमी देशों में भी नहीं था, लेकिन भारत में जिस दिन से भारत स्वतंत्र हुआ उस दिन से प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क है उसको वोट देने का अधिकार है। हम याद करें कि जब इवन अमेरिका में भी 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, या ब्रिटेन की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, इंग्लैंड की, तो वहां 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। हम कभी फिर किसी अवसर पर बात करेंगे किस तरीके से लोगों को, वो पहले सबको वोट करने का अधिकार नहीं था, जो धनी व्यक्ति थे उन्हीं को वोट करने का अधिकार था, और जो गरीब थे, जो महिलाएं थी, उनको अधिकार नहीं था, केवल बहुत छोटे से नॉमिनल
संख्या में बहुत छोटे स्तर पे लोगों को वोट देने का अधिकार था। जब जब डेमोक्रेसी आए भी तो सभी वयस्क लोग वोट नहीं देते थे, बल्कि एक बहुत छोटा सा तबका था जिसको मत अधिकार देने मताधिकार प्राप्त था। चलिए, ये था सरकार क्या है के मद्देनज़र 30 मिनट के इस पूरे सेशन में हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर समझने का प्रयास किया। आपदा को अवसर में भी बदलते हुए हमने देखा, काफ़ी कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं, मसलन जो पूरे अभी तक के 6-7 महीने के कार्यकाल में हमने समझा, आगे भी करने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें, पहले तो शुक्रिया कर देते हैं डॉक्टर शरद कुमार पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी सारी बातें बताई, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाइए कहीं मत, क्योंकि आगे बहुत सारे एक्साइटेड सेशंस हैं ज्ञानवर्धक, उनका भी आप लाभ लीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।